डांस में क्या होता है होमवर्क, जरा तुम मुझे ये बता। डांस में मैं आपको दिखाई देती हूँ क्या होमवर्क होता है। मेरी आईज तो बिल्कुल लाल हो गई इसना, पता नहीं मेरी खुल भी नहीं रही है। सुनो जीनी धोनी, अब तुम्हें ना बिल्कुल मम्मी को परेशान नहीं करना है, थोड़ा ध्यान रखना, तुम अपनी जो बेवकूफियां करते हो वो थोड़ी कम करना, सिर्फ यहाँ पे बैठ के होमवर्क करो, मैं मेडिसिन लेने जा रहा हूँ, वरना ना मम्मी की तबीयत बिगड़ सकती है। ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों वीकेंड पे भी मतलब तुम पढ़ रहे हो? डांस में क्या होता है होमवर्क, जरा तुम मुझे ये बता। दिखा दे जरा मुझे। कथक के बारे में हमसे लिखवाया जा रहा है, ये देखो। जिनकी राइटिंग तो बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। कथक इज डिराइव्ड फ्रॉम द वैदिक संस्कृत वर्ड कथा व्हिच मींस स्टोरी एंड कथक। तो मतलब आज तुम सारा दिन होमवर्क ही करोगे ना? खाने में फ्रेंड्स पास्ता मिला था आज हमें, और बहुत ज्यादा टेस्टी था, मजा ही आ गया था। ये छोड़ा किसने है पास्ता? ये धोनी ने छोड़ा है। हाँ भाई धोनी, पास्ता क्यों छोड़ा आपने? भूख नहीं लगी थी? तू भी पढ़ रही है? तू क्या पढ़ रही है? क्या हो गया ना इसको, इसकी तबीयत धोनी ठीक है? धोनी तू कब से पढ़ने लग गई? हाँ धोनी पढ़ने लिखने वाली बच्ची है, धोनी पढ़ने लिखने वाली बच्ची है ना। मम्मी कहाँ है? आधे घंटे से नहीं दिख रही। मैं देखता हूँ, चलो अंदर जाके मम्मी क्या कर रही हैं। एशना तुम कब से दिन में लेटने लग गई? एशना क्या हुआ? आँख नहीं खुल रही। अरे दिन में नहीं सोना चाहिए, जग जाओ। अरे सो नहीं रही, कोई मच्छर चला गया क्या हुआ? मच्छर चला गया क्या हुआ? आँख में क्या हुआ इसने? तुम्हारी आईज तो बिल्कुल लाल हो गई एशना, पता नहीं मेरी खुल भी नहीं रही है। कोई ड्रॉप वगैरह डाल लो इसमें, इचिंग हो रही है और पेन हो रहा है। ये तो बहुत ज्यादा लाल हो रही है, दिखाओ जरा एक बार। तो बहुत ज्यादा लाल है, तो सूज गई बिल्कुल। इसमें कोई ड्रॉप वगैरह डाल लो, गुलाब जल डाल लो। ले आओ डाल दो। तुम ना थोड़ी देर रेस्ट करो, ठीक है ना? मेरा दर्द हो रहा है आईज में ना बहुत ज्यादा। ये हुआ कैसे लेकिन? पता ही नहीं, अभी मैं अच्छा भला थी, खाना वाना बनाया, उसके बाद आंख में मेरे को लग रहा है शायद मच्छर चला गया है। मैं अभी बच्चों यही कह सकता, तुम हो कहाँ पर? तो तुम्हें मुझे बताना नहीं चाहिए था तुम्हारी आंख में इचिंग हो रही है। मेरे को दर्द हो रहा था ना, तो मैं अंदर आके लेट गई, मुझे लगा वैसी इचिंग हो रही होगी। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा रेड हो रही है। कि पास्ता का मसाला चला गया, क्या चला गया है इसमें ना पता। तुम थोड़ी देर रेस्ट करो, मैं दवाई वगैरह लेके आता हूँ, ठीक है? आईज क्लोज करो बिल्कुल। मम्मी क्या हो गया? अरे मम्मी को उठाओ मत, मम्मी की एक आई बिल्कुल रेड हो गई है। मैं मम्मी कल दवाई लेने जा रहा हूँ, तुम लोग होमवर्क करो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ध्वनि जी नहीं, तुम टेंशन मत लो, हो जाएंगी मम्मी ठीक। मैं थोड़ी मेडिसिन वगैरह लेके आता हूँ, कोई आई ड्रॉप वगैरह। अब तुम शांति रखना, हाँ, और मम्मी को परेशान मत करना, ठीक है? जाओ जाओ। सुनो जीनी धोनी, अब तुम्हें ना बिल्कुल मम्मी को परेशान नहीं करना है, थोड़ा ध्यान रखना, तुम अपनी जो बेवकूफियां करते हो वो थोड़ी कम करना, सिर्फ यहाँ पे बैठ के होमवर्क करो, मैं मेडिसिन लेने जा रहा हूँ, वरना ना मम्मी की तबीयत बिगड़ सकती है। ठीक है। और फ्रेंड्स हाँ, हम आपको बताने भूल गए, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग, क्योंकि हम मतलब ये वाली चीज में इतना एकदम प्रेशराइज हो गए कि मतलब मम्मी की तबीयत बिगड़ गई है। तो चलो अब हम आगे देखते हैं और क्या करना है। A few hours later. एशना क्या कर रही हो तुम? मैं जिनी का सिलेबस देख रही हूँ आजकल क्या चल रहा है। तुम्हारी आँख तो अभी भी दिखाना। मेरी बेटर हो गई है देखो, काफी बेटर। लेकिन दोनों आँखों में ना अभी भी लेफ्ट वाली आई तो मैं छोटी लग रही है। छोटी भी लग रही है, और पता है क्या है, इसमें से ना पानी निकल रहा है, तो हल्का अभी भी निकल रहा है, मतलब जरा सा जोर लगता है तो पानी निकलने लगता। तो मतलब तुम्हारी लेफ्ट आई आरओ बन गई है? आरओ बन गई है, क्या बन गई है, पर कुछ तो हुआ है। मेरे को लग रहा है मच्छर, कोई जैसे होता है ना कोई पॉइजन होता है मच्छर का, वो चला गया इसमें। लेकिन तुमने एक बहुत गलत काम कर रही हो। क्या गलत काम कर रही? तुम्हारी आंखों में पेन है और तुम बुक पढ़ रही हो। मैं खाली बैठी थी ना, तो मैंने खाना बनाया आज। खाने की तुम टेंशन मत लो, हम देख लेंगे क्या करना है। बच्चों को बाहर ले चलना, वैसे वो देख लेंगे बच्चों को बाहर लेके चलना है या फिर क्या करना है। और ध्वनि कहाँ है? ध्वनि ट्यूशन, मैं वही तो कह रही हूँ, ध्वनि ट्यूशन गई है, वो अपना लैपटॉप लेके बैठी हुई है। लैपटॉप पे क्या कर रही है? टीवी भी नहीं देख सकती आई। टीवी बिल्कुल मत देखना है तुम। चलो मैं काम करता हूँ, मैं जीनी को देखता हूँ वो क्या कर रही है। देख लो।
जिनी क्या कर रहे हो आप? पापा ताई जी आ रही है यूएस से। वो तो मुझे भी पता है। तो मैं देखी हूँ अपने लिए क्लोथ्स और मैं उनसे मंगवाने वाली हूँ। मतलब शॉपिंग शॉपिंग एंड शॉपिंग एंड शॉपिंग। एक काम करियो तो कुछ विंटर के क्लोथ्स मंगाइयो, कभी समर के मंगा ले। देख मैंने पता है तेरे को ये बात क्यों बोली? सोच के देख, क्योंकि तू समझदार कम है ना। ऐसी कोई बात नहीं है। तो तू देख क्या रही है? मैं H&M पे देख रही हूँ। H&M पे तो ये कपड़े देख रही है। ये कपड़े देख रही हूं मैं, और अभी मैंने चूज भी करे हैं। कुछ पसंद आया तुझे? हाँ, मैंने एक चूज किया है, हैरी पॉटर। फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताओ ये आपको कैसा लग रहा है कपड़ा। और मैंने ये भी करा है जंपसूट। ये जंपसूट ये तो मुझे उससे बेटर लग रहा है, है ना? तो तेरे को क्या लगता है कि ताई जी ले आएंगी? बिल्कुल ले आएंगी। तो ताई जी को भेज दिया ये लिंक? नहीं अभी भेजूंगी। अच्छा, एक्सेल शीट बनाऊंगी। एक्सेल शीट? एक्सेल शीट बनाऊंगी। चल तू एक क्वेश्चन आंसर दे। हाँ। ये जो एक्सेल है ये कौन सी कंपनी ने बनाया? ओ भाई, यस यस यस, क्योंकि भाई एक्सेल के आगे हमेशा माइक्रोसॉफ्ट लगता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। थैंक यू। और शीट किसने बनाई है? हाँ स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट नहीं, शीट जो ऑनलाइन शीट होती है। ऑनलाइन शीट? गूगल शीट। गूगल शीट, गूगल शीट, गूगल में। हाँ वो तो मैंने बोल दिया ना, गूगल शीट। तो आपने ये थोड़ी बोला कि गूगल शीट, मतलब मैं अगर ये बोल दूंगा कि गूगल शीट किसने बनाई तो तेरे को पता चल जाएगा ना कि गूगल शीट बोल रहा हूँ मैं। अच्छा एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछूं? अच्छा एक बात, जो ताई जी सामान लाएंगी उनके लगेज में कितना अलाउड है? जितना अलाउड है बता था, कितना अलाउड है? शायद से 52 या समथिंग होता है। 23 केजीज के 2 बैग्स अलाउड हैं। हाँ। और उसमें से एक बैगेज मैं मंगा लूंगा, जो बाकी बच्चा कुछ है तुम मंगा लेना। अच्छा अच्छा अच्छा। 1 hour later। हाँ जी भाई धोनी। हाँ। कहाँ से आ रहे हो आप? ट्यूशन। ट्यूशन से? हाँ। कुछ पढ़े भी या नहीं? पढ़ी। क्या पढ़ी है? मैंने 6 की टेबल लर्न किया है। 6 की टेबल तूने लर्न करी है? पक्का? 6 5 से कितना होता है? पापा आज लर्न की मुझे डोजिंग नहीं आती। आप तो सीधा सुनो, 6 on the 6, 12, 6 to the 18, 16. सुनाओ। 6 on the 6, 6 to the 12, 6 to the 18, 6 4 the 24, 6, 6 5 the 30, 6, 6 the 34, 6, 6 the 34, 36, 6, 7 the 42, 6, 8, 6, 8, 48, 6, 9, 54, 6, 10, 60. ओ भाई तूने तो गजब कर दिया, गजब कर दिया, गजब। हाँ। तो मतलब तू पढ़, मतलब अच्छे से पढ़ी है? दूसरा मैच पढ़ी है? नहीं अभी मैंने हिंदी में मैम ने मुझे एक वचन और बहुवचन कराया है। एक वचन और बहुवचन, दुई वचन नहीं कराया? हाँ सच में? ठीक है चलो ऊपर जाओ। हाँ। और फटाफट से, आप बहुत थक रहे होंगे, कुछ पानी वानी पी लो, ठीक है ना? ठीक है। चलो चलो चलो। ध्वनि ये तो क्या खा रही है आते ही? पॉपिंस। कितनी पॉपिंस खाती है यार, पूरा पैकेट खत्म कर देती है। अब मम्मी आपकी तबीयत कैसी है? बेटर है। थोड़ी सी छोटी, जैसे चाइनीज होते हैं ना, चाइनीज वैसी लग रही है मम्मी क्या? एक आंख बड़ी पूरी और एक आंख छोटी, एक इंडियन साइड है, एक चाइनीज। ओ भाई ये तो मतलब बीच में नाक मम्मी की बॉर्डर है, इंडिया वर्सेस चाइना है ना। हाँ, बिल्कुल यही लग रहा है मुझे। हाँ। और जिनी तू क्या मतलब, अभी तेरे कपड़े सिलेक्ट नहीं हुए जिनी? एक्सेल बना ली। ध्वनि तेरे को कुछ नहीं मंगाना ताई जी से? मुझे मंगवाना है, ये लड़की मुझे लैपटॉप पे काम तो करने दे। ओ भाई ये लड़की लैपटॉप पे नहीं बैठी, ध्वनि एक मिनट, ये लैपटॉप पे नहीं बैठी, ये चेयर पे बैठी है। हाँ, इसके पास अपना कंप्यूटर है, ये तो मेरा ही लैपटॉप नहीं ना इसे। ये बात ठीक है, ये मैकबुक, फ्रेंड्स ये मैकबुक है ध्वनि का, और जिनी के पास है डेस्कटॉप कंप्यूटर। अरे अरे लड़ाई लड़ाई बंद करो, कितना पढ़ के आया? बहुत सारा, बहुत सारा। तो फ्रेंड्स वी होप मम्मी की आंखें थोड़ा जल्दी से ठीक हो जाएं,
ताकि हमें स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने को मिले, और जिनी से मैं कहूंगा कि वो थोड़े कपड़े कम चूज करे और ध्वनि को ज्यादा करवाए। और फ्रेंड वी होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो जल्दी जल्दी इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। अरे अरे जा कहाँ रहे हो, ये वाली वीडियो देखी नहीं? देखी तो क्लिक करो और जल्दी से देखो।